इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। आसमान से रॉकेट बरस रहे हैं और टैंक आग के गोले उगलने की तैयारी में है। इसराइल हमास जंग से दुनिया में हथियारों का कारोबार करने वाली कंपनियों की चांदी हो गई है। जंग थमने के आसार नहीं दिख रहे और जंग जितने दिन खिंचेगी यकीनन गोला बारूद और हथियारों के बाजार में उनकी खरीदारी भी होगी। इसराइल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा। हमास भी पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर जंग के लिए इतना गोला बारूद कहाँ से आएगा? इस सवाल का जवाब अमेरिका है। हमास पर इसराइल का एक्शन शुरू होते ही अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की पहली खेप पहुंचा दी थी। इस खेप में स्पार्क बॉम्ब, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्टर और दूसरे एम्यूनेशन शामिल थे। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या आगे भी अमेरिका इसराइल को हथियार मुहैया कराते रहेगा? ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि इसराइल अपनी रक्षा जरूरत का 81.8% अमेरिका से, 15.3% जर्मनी से, 2.6% इटली से इम्पोर्ट करता है। यानी इसराइल अपने हथियारों की जरूरत के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। इसलिए अमेरिकी रक्षा कंपनियों के लिए हमास इसराइल की जंग मुनाफा कमाने का बड़ा मौका है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि अमेरिकी कंपनियां इसे पूरा नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका इस वक्त 3 मोर्चों पर फंसा हुआ है। इसमें इसराइल हमास जंग, रूस यूक्रेन जंग के साथ ही अमेरिका को चीन की बढ़ती आक्रामकता की भी चिंता है। ऐसे में अमेरिका की परेशानी ये है कि वो हथियारों की सप्लाई कैसे बढ़ाए। पूरी दुनिया में पिछले साल मिलिट्री खर्च $2.2 trillion रहा है, जबकि दुनिया के देशों को हथियारों के निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 45% के आसपास है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $44 अरब के हथियार दे चुका है। January 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को $155 मिलियन के करीब 3 लाख तोप के गोले भेजे थे। 2022 में अमेरिका ने यूक्रेन को 10 लाख तोप के गोले दिए थे। यूक्रेन हथियारों के लिए पूरी तरह अमेरिका और नाटो के भरोसे है। अमेरिका और नाटो के दूसरे देश यूक्रेन की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसी बीच इसराइल का संकट सामने आ गया है। अमेरिका और इसराइल के बीच 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए $38 बिलियन की डील हुई थी। दोनों देशों ने $5 बिलियन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के समझौते पर भी साइन किया था। इस समझौते के तहत अमेरिका से इसराइल को हथियारों की सप्लाई होनी है। अगस्त 2023 में इसराइल ने अमेरिकी कंपनी अल्वीट सिस्टम नाम को $155 मिलियन के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। इसराइल ने M107A3 तोप के गोले को खरीदने का करार दिया था। तब जंग के आसार नहीं थे, लेकिन अब जंग शुरू हो गई है। ऐसे में इसराइल को तत्काल हथियार चाहिए, लेकिन अमेरिकी कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो तत्काल इसराइल को हथियारों की सप्लाई कर सकें। ये संकट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि 2014 में इजरायली सेना ने गाजा पर 32,000 से ज्यादा गोले दागे थे। इस बार हालात 2014 से ज्यादा खराब है। इसराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में इसराइल को गोला बारूद की जरूरत पहले से कई गुना ज्यादा होगी। ये मौका अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए मुनाफा कमाने का है। लेकिन संकट ये है कि अमेरिका पहले ही यूक्रेन रूस फ्रंट पर फंसा हुआ है। ऐसे में इसराइल का मोर्चा खुलने के बाद अमेरिका के पास हथियारों की किल्लत हो गई है।